ये देखें जनाब, रोमन अम्पायर, देखते जाएं। जॉर्डन का ये शहर है जरश। तो ये सल्तनत रोम की याद ताज़ा करता है, इट्स द रोमन एम्पायर, सल्तनत रोम की याद ताज़ा करता है, उनकी बाकियात अभी भी हैं, ये देख लें। और आई थिंक यहाँ पे काफ़ी सारी फिल्मों के गाने वगैरह भी पिक्चराइज हुए हैं, इंडियन फिल्मों के, तो बहुत ही खूबसूरत। ये जनाब एक गोरों का डेलीगेशन आया हुआ है, तो ये देखें कवर कर रहे हैं, ये देखते जाएं आप। और इस साइड में भी आपको पीछे कवर करते हैं आज है तक। और ये देखें जनाब, सामने बिल्कुल आपको रास्ता नज़र आया, दाएं में पिलर ही पिलर है। अब आप इस जगह को देखें और थोड़ा सा माजी की तरफ जहन लेके जाएं और ये तसव्वुर करें कि ये रोमन दौर की वही जगह, वही किला है जो हम पुरानी रोमन स्टाइल की, रोमन्स की फिल्में देखते हैं, उसमें इसी किस्म के सेम ऐसी जगहें बनी होती हैं, जो कि रोमन एम्पायर की याद को ताज़ा करती हैं। पीछे एक सीधा रास्ता है, दाएं बाएं बड़े बड़े पिलर हैं, तो किसी दौर में रोमन्स की हुकूमत होती थी यहाँ पे। ये दाएं बाएं सारे पिलर्स हैं, पिलर्स के ऊपर ये आप देख रहे हैं सफील सी लगी हुई है ये, और ये नीचे देखें ग्राउंड कैसा पत्थर लगे हुए हैं गोल मटोल, उस दौर के, उस वक्त के, उस दौर के, उस वक्त के पत्थर अभी भी लगे हुए हैं। ये देखें लाइन सेर गोलाई में पत्थर लगे हुए हैं। जनाब ये पत्थर देखें, उस वक्त के, कितने सौ साल गुजर गए हैं, रोमन यहाँ पे हुकूमत करते थे, ये आज भी बिल्कुल उसी तरह उसी हाल में यहाँ पे मौजूद हैं। ये देखें पीछे पिलर्स, ये बड़े बड़े पिलर देखें, अभी भी ये रोमन दौर की याद दिलाते हैं। वो देखें पीछे, पूरा एक लंबा रास्ता है जो जाता है उस तरफ। उस्ताद नवीद और मुनवर आगे निकल गए हैं, तो उनके पीछे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें यहाँ से आपको नज़ारे कैच करवाते हैं, यहाँ से देखिए ये ऊपर रेस्ट हाउस है, आप देखें मेरे पीछे ये पिलर, पिलरों के पीछे और मजीद पिलर, उसके पीछे वो और मजीद पिलर गोल, वो देखें वो पहाड़ के पीछे, वो देखें और मजीद पिलर, पूरी एक सल्तनत थी रोमन्स की। अस्सलाम वालेकुम जनाब, जैसा आप देख सकते हैं जनाब, माशाल्लाह ये हमारे साथ डेलीगेशन भी आया हुआ है, ये भी यहाँ का विज़िट कर रहा है, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से लोग आए हुए हैं। ये किसी दौर में रोमन्स जहाँ पे हुकूमत करते थे, उन्होंने इस इलाके पे कब्ज़ा किया हुआ था, बेसिकली चूँकि ये खिता अरब खिता था, फिर अरबों ने इस इलाके को आज़ाद करवाया रोमन से, रोमन चले गए। ये इतने सौ साल गुजरने के बाद भी माशाल्लाह ये उनकी बाकियात, उनकी यादगार अभी भी यहाँ पे मौजूद है। ये नीचे इवन के आप पत्थर देख लें, ये नीचे आप गली देख लें, एक द ग्रेट रोमन एम्पायर की याद दिला रहे हैं ये। वो मेरे पीछे देखें ये पिलर्स, तो ये देखें कितना बड़ा प्याला है, तो मैं मजाक कर रहा था दोस्तों से कि ये वो प्याला है जिसमें सुकरात को जहर दी गई थी, तो वो सारे बड़े हंसे, तो शुगल है, तो मैंने कहा ये देखें पीछे ये, यहाँ पे उस वक्त के बादशाह आते थे, फरियाद सुनते थे, अपना हुक्म सादर फरमाते थे। तो मेरे साथ साथ उस्ताद मुनव्वर भी है, उस्ताद नवीद भी है, तो बड़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ से जाने को जी तो नहीं कर रहा, तो जिंदगी के लम्हात को कैच करने की कोशिश कर रहे हैं।
वो उनके साथ ये जो फॉरनर्स का एक डेलीगेशन आया है वो एक जॉर्डेनियन हमारा भाई उनके साथ है, उनको गाइड कर रहा है, तो मैं अपने आप को ही गाइड कर रहा हूँ। तो मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं।